देखिए, मैंने देखा कि दिल्ली की लिस्ट के अंदर जो चार बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते थे, चाहे रमेश विदोड़ी हों, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हों, चाहे मीनाक्षी लेखी हों, चाहे गौतम गंभीर के भी बारे में सुना जा रहा है, इन सब के टिकट जो है काटे जा रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने ज़मीन पे कोई काम नहीं किया। ये लोग ज़मीन पे लोगों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है, और जनता ज़्यादातर ये कहती है कि जब जब लोगों को केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़ी, यानी कि जब दुकानों की सीलिंग हो रही थी उसको रुकवाना हो, जगह जगह क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, पुलिस में मदद की ज़रूरत हो, इन सभी चीज़ों में केंद्र सरकार को जनता की बात बताने वाले जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो सांसद थे, वो नदारद रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी सामने आया, और भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको बदला है। मगर ये जनता के साथ एक तरीके का धोखा है कि आप पहले किसी भी आदमी को ले आए, 5 साल जैसे तैसे जो है जनता जो है उनके साथ सहे, फिर आप उसको बदल के नया आदमी ले आए। तो पार्टी की कोई गारंटी होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट आए वो अच्छे आए। आपने इस तरीके के कैंडिडेट दिल्ली के ऊपर क्यों थोपे जब ये कैंडिडेट किसी काम के नहीं थे? देखिए, मोटे तौर पे ये बात साफ है कि पिछले 1.5 साल में जितने डिमोलिशन दिल्ली के अंदर हुए इतने कभी नहीं हुए। करीब करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया गया है, और ज़्यादातर काम DDA, LNDO, रेलवे जैसी एजेंसीज ने किया है। और मैंने यहाँ तक देखा कि DUSIB के मंत्री होने के नाते मुझे ये जानकारी दी गई कि DUSIB के स्टैंडिंग काउंसिल ने हाई कोर्ट के अंदर गलत जानकारी देके हज़ारों लोगों को बेघर कराया। जो क्लस्टर निज़ामुद्दीन का लिस्टेड क्लस्टर था, 675 क्लस्टरों के अंदर आइडेंटिफाइड क्लस्टर था, 2006 से पहले का क्लस्टर था, उस क्लस्टर की इस जानकारी को छुपाया गया और उसको डिमोलिश कराया गया। और जब हाईकोर्ट ने उसके डिमोलिशन की मोहलत दी कि चलिए अभी ग्रैप लागू है, ग्रैप को हटने दीजिए, तो CAQM ने स्पेशल परमिशन देके उसको सर्दियों में डिमोलिश कराया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि इसका असर ज़मीन पे हो ना हो, मगर ये जो विधानसभा के रिकॉर्ड में वक्तव्य दर्ज हो रहे हैं, जब भी कानून अपनी सही राह पे चलेगा ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा मीडिया के बंधुओं को। आज अगर किसी आदमी को सरकार घर देने की बात भी कर रही है तो इसलिए क्योंकि मीडिया के साथियों ने उस गरीब की आवाज़ को उठाया, अखबारों ने और TV चैनलों ने उस बात को तरजीह दी। और मेरी सिर्फ निवेदन ये है कि इस तरीके के लाखों लोगों को बेघर किया गया, उनकी बात भी अगर हमारे चैनल्स उठाएंगे तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी। ये कहना कि आपका घर मैं यहाँ से उजाड़ दूंगा, मैं आपको नरेला में बसा दूंगा, ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट्स ने भी कहा कि आपको इन सीटू व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहां पे आप किसी को उजाड़ रहे हो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आपको उसको घर देना पड़ेगा, उससे पहले आप उसको नहीं उजाड़ सकते। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। देखिए, अभी तक उपराज्यपाल अपनी मीठी मीठी बातें करके बच जाते थे, इस बार उपराज्यपाल फंस गए हैं। वो खुल के दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वन टाइम रीसेटलमेंट स्कीम के साथ मैं नहीं हूं, वरना उनको सिर्फ एक लाइन का पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखना था कि मैंने अफसरों को आदेश दे दिया है, ये स्कीम जनता के फायदे की स्कीम है, ये जनता की फायदे की स्कीम आनी चाहिए। उन्होंने सारी बातें कही मगर ये बात नहीं कही। इससे ये साफ है कि वे नहीं चाहते हैं कि ये स्कीम आए।